हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपने काफ़ी बार काफ़ी डॉक्टरों से सुना होगा कि डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। कोविड में भी आपने काफ़ी सारा सुना होगा कि डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। तो डीप ब्रीदिंग करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, डीप ब्रीदिंग के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। डीप ब्रीदिंग करने से जो क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे घबराहट, बेचैनी, एनजाइटी, डिप्रेशन है, या कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, या उसके ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, उल्टे सीधे केमिकल्स हैं, वो निकलते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करें और उसमें डीप ब्रीदिंग का कितना ज़्यादा रोल है। तो सबसे पहले समझिएगा कि डीप ब्रीदिंग होता क्या है। डीप ब्रीदिंग का मतलब होता है गहरी सांस खींचना, उसे कुछ देर के लिए रोकना, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतनी देर तक उसे रोकना और फिर धीरे धीरे से उसे छोड़ देना, इसे हम बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। दिन में इसे कितनी बार कर सकते हैं, इसे दिन में आप कम से कम 8-10 बार कर सकते हैं, यानी सुबह 8-10 बार कर सकते हैं और शाम को 8-10 बार कर सकते हैं। कोई भी इसमें घबराने की बात ज़रूरत नहीं है। इसे आप ऐसे समझें 10 से 20 मिनट तक भी सुबह शाम के प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं। अब डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं और इसे कैसे करें, तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स समझिएगा। डीप ब्रीदिंग से हमें क्या शरीर में लाभ होता है, इसे समझना ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग के सबसे जो फर्स्ट बेनिफिट होता है वो होता है हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन एनवायरमेंट से अच्छे तरीके से जा सकता है, अच्छे तरीके से लंग्स के अंदर एक्सचेंज हो पाता है और हमारे अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है। सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा, इसकी वजह से हमारे शरीर में, हमारे लंग्स के अंदर स्पेशली जो कैपेसिटी बढ़ती है लंग्स की, वो बहुत शानदार होती है। डीप ब्रीदिंग करने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और लंग्स स्वस्थ होंगे। लंग्स के अंदर कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, कोई भी अगर ऐसा इन्फेक्शन है जो लंग्स को परेशान कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है, तो उसे ठीक करने में आपको मदद मिलेगी। तीसरा, लंग्स के मजबूती बढ़ेगी, लंग्स इससे स्ट्रांग होंगे, जिससे आने वाले फ्यूचर में या आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगी और उस बीमारी से आप आसानी से जीत सकते हैं, उस बीमारी को आप हरा सकते हैं। तो आपके लंग्स जो है स्ट्रांग होंगे, आगे आने वाले फ्यूचर में जो बीमारी आपको होगी, कोई भी बीमारी अगर आपको हो तो आप उससे आसानी से, आपके फेफड़े उससे लड़ सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग का ये तीसरा बेनिफिट था। चौथा बेनिफिट्स होता है डीप ब्रीदिंग से, हमारे शरीर के अंदर एनर्जेटिक फील करते हैं हम, क्योंकि जो शरीर के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे समझिए हमारे शरीर के अंदर काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हम जब स्माइल करते हैं तो काफ़ी सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हंसने के जो बेनिफिट्स होते हैं, साइंटिफिक लॉजिक होते हैं, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर देखना आने वाले फ्यूचर में, बहुत जल्द उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको इस तरह की और वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। तो जब भी हम स्ट्रेच हो, जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं या उनको दबाते हैं, तो हमारे ब्रेन से काफ़ी सारे ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल्स होते हैं, जैसे डोपामिन है, ठीक है, या सीरोटोनिन है। ये काफ़ी सारे ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे खुशी को बढ़ाते हैं, जो हमारे ब्रेन को अच्छा करते हैं, हमारे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, और इसके डीप ब्रीदिंग करने से ये पॉसिबल होता है। तो डीप ब्रीदिंग से बहुत बेनिफिट्स होते हैं, डीप ब्रीदिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आप सभी को अभी तक नहीं पता था। इसके अलावा और भी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जो हमारे शरीर में स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं उसे कम कर देता है, फ्री रेडिकल्स जो हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं उसे कम करता है, और हमारे शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी मसल्स होती हैं वहाँ पर अच्छे तरीके से ऑक्सीजन पहुँचाने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर बढ़ेगा, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमारे बॉडी के अंदर जहाँ मसल्स हैं वहाँ पर भी ऑक्सीजन बहुत अच्छे तरीके से पहुँच पाएगा, जिससे हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमारा आलस जो है, हमारा
हमारी जो भय, चिंता, फियर है, मसल्स में पेन है, वो आसानी से ठीक हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आने वाला नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।